सोनभद्र में सुकृत पुलिस चौकी के नागनार हरैया गांव में आज सुबह शौच के लिए निकले बुजुर्ग की गांव में ही बने आदर्श तालाब के किनारे शव देखकर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग देव नारायण के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग देव नारायण उम्र 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बिशु के शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव थाने ले आई। बताते चले बुजुर्ग देव नारायण की धारदार हथियार से शव के सिर और गर्दन के बीच वार करके हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और परिजनों ने भूत प्रेत के चक्कर में कुछ लोगों के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद FIR करवाया है। के पिता की हत्या हुए, क्या मामला है सर? हम तो खबर लगा के काम करने वाला है, हम तो शाम के गई तो हम फिर क्या पता, हम तो खबर ना के लिए बाबू का बहना बहना मतलब सवेरे भर जब हम लिखते बैठी तो एक हमारे बहने रहा चंद्रशेखर वह गला बंधा नहीं लिखता है नारा रोकनी है तो वह अपन आए देखते तो हम पता नहीं था मामी से कहते रहे कि मामी और नन्ना का बेहोश पड़ा तो हमें मार देने में काटे नहीं तो वैसा हम सकाल शाम शौचालय से निकल लिए तो हम देखिए तो काटल बांध कर नटाइए बेहोश पड़ल बांध ना नटाई काटने पर मर करना अब साफ पता नहीं कब से हत्या भर रही थी शाम से कब को भर रहा ये संबंध देख लिए हैं। ये पता लगल कि जाना गाय लेकर शाम तरफ आवत रहना तो बाहर जात रहना तो वो कहत रहना तो हम देख लिए वो पार जात रहना चाहे चल रहा या कुछ भी लेकिन हम शाम की तरफ उनके देख लिए मतलब जाए वो जाते हैं इतना तक बताऊँ ना तो हमारे संख्या पर बहुत सकाल उगल हो तभी पकड़ लेने हूँ ट्रीटमेंट कर लेने हूँ मरले हूँ उसके बाद साहब हम वहाँ नहीं जाएंगे कि हाँ कैसे हत्या भर साबल हमारे रात में। मौके पर क्या क्या मिला वहाँ पर? मौके पर लाइट मिला है, उनका गमछा और उसके बाद चद्दर। अच्छा, जो जिससे मारा गया था वो मिला क्या? नहीं नहीं सर वो नहीं मिला। और खून एकदम खून में लुकता एकदम गट्ठर नियर एकदम था गमछा में और चद्दर वहाँ गुलिया कर रखा था वो तो एकदम पानी के किनारे एकदम पानी के एकदम डाल है कि धारदार हथियार से गले को वार किया गया है और उसकी मृत्यु हो गई है और इसको पुलिस द्वारा अस्पताल लाया गया है जिसका पंचनामा के फलस्वरूप इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो भी होगा जानकारी में आएगा उसमें दर्शा दिया जाएगा। हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गाड़ी कहाँ से आई है किस जगह से आई है? नागनार हरैया के पास कोई जगह है वहाँ से गाड़ी आई है। डोदौली क्षेत्र के नागनाथ हरैया गांव एक वृद्ध की हत्या का मामला है, मामला क्या कार्रवाई क्या की जा रही है? ये एक डेड बॉडी आज सुबह मिली थी। मृतक का नाम देव नारायण पुत्र विशु 70 साल की उम्र है इनकी और इनके सर पे कुछ कुलाड़ी या तीक्ष्ण हथियार के चोट के निशान हैं। इस मामले में एक तहरीर नामजद प्राप्त हुई है और इसमें 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये राम सखी नाम है जिनके खिलाफ ये अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और 5-6 महीने पुरानी कोई रंजिश भूत प्रेत के विवाद में ये घटना किया जाना तहरीर में दिया गया है। इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है और ये रामसखी जो नामजद अभियुक्त है इसमें उनको भी थाने पे बुला के उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो वेपन इसमें यूज हुआ है उसको रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा और जैसे ही आगे एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर भूत प्रेत का मामला बताया सर, क्या किस तरह का भूत प्रेत मामला, क्या अंधविश्वास जुड़ा हुआ कोई मामला है? अभी प्राइमाफेसी जो तहरीर मिली है उसमें यही रीजन दिया गया है कि भूत प्रेत के चक्कर में इनमें कुछ विवाद हुआ था तो इसमें हम आगे डिटेल में पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या विवाद है।